परिभाषा मृधा की ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, है ना। तो जीव तत्व आया था अंदर, है ना, तत्व। तो वही अपना अगला विषय है सात तत्व। और ये जो सात तत्व विषय है ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर आधारित है। कौन से ग्रंथ पर? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर आधारित है। तो अब अपन इस तत्व का मतलब समझते हैं। जो वस्तु जैसी है, है ना, उसका जो भाव वही तत्व है, है ना। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। क्या है? तत्व है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अग्नि होती है जैसे, है ना। तो अग्नि जैसी है उसका जो भाव है, भाव अर्थात स्वभाव, अग्नि का स्वभाव तो गर्म है, है ना। जो अग्नि जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। क्या है? तत्व। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे शक्कर होती है, जो शक्कर जैसी है उसका जो स्वभाव है, भाव अर्थात स्वभाव। तो शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठापन। जो शक्कर जैसी है उसका जो स्वभाव है वही तत्व है, ठीक है ना। तो ऐसे सात तत्व होते हैं, अपन ऊपर देख ही लिया था। और ये जो सात तत्व होते हैं ये सातों ही प्रयोजनभूत होते हैं। तो प्रयोजनभूत तत्व होते हैं, तो प्रयोजनभूत तत्व, है ना। सबसे पहले अपन जानेंगे कि प्रयोजन किसे कहते हैं। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, लक्ष्य, इच्छित वस्तु, जो चाहिए वह, इसको इंग्लिश में एम भी बोलते हैं, AIM, एम। तो ये अपन ने प्रयोजन की परिभाषा समझ ली, है ना, प्रयोजन का मतलब समझ लिया। तो ऐसे जो सात तत्व है प्रयोजन भूत, तो इन प्रयोजन भूत तत्व को क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान के बिना सुख की प्राप्ति न हो और दुख दूर न हो, उसे प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। इसको मैं समझाता हूँ, इस परिभाषा को, कि ऐसे तत्व जिनको समझने से अपन को सुख की प्राप्ति होती है और दुख दूर होता है। इसलिए ये जो तत्व है वो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है समझने के लिए। ये अपन ने प्रयोजन भूत तत्व समझ लिया। अब अपन देखते हैं तत्व सात होते हैं और उनके कौन कौन से भेद हैं। तो जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना। तो अपन पहले जीव को समझते हैं। ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव को आत्मा कहते हैं, या फिर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं, क्योंकि आत्मा और जीव एक ही तो होता है। अपन इसको ऐसे लगा के देख सकते हैं, अपन ने यहाँ पे अग्नि और शक्कर का लिया था, वैसे अपन यहाँ पे जीव को भी लगा सकते हैं, वस्तु की जगह जीव। जो जीव जैसा है उसका जो भाव है, जीव का क्या भाव है? भाव अर्थात स्वभाव। स्वभाव क्या है जीव का? जानना और देखना। तो जो जीव जैसा है उसका जो स्वभाव है, भाव है, वही जीव तत्व है। अपन जीव तत्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा जीव तत्व, है ना। और जीव का मतलब क्या है? जैसे जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे ही जीव कहते हैं। और अजीव किसे कहते हैं? तो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित, ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित समस्त पदार्थों को अजीव कहते हैं। अपन ने जैसे जीव में लगाया था ना, वैसे ही अपन सब में लगा सकते हैं, है ना। तो अजीव का मतलब अपन ने समझ लिया। लेकिन ऐसे अजीव के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? उद्गल, धर्म,
जैसे आश्रव, आश्रव अर्थात आना, बंध अर्थात रुकना, बंधना, संवर अर्थात जो आ रहा था वो रुक जाना, आना बंद हो जाना, निर्जरा थोड़ा खेलना, मोक्ष पूरा गिर जाना, है ना, पूर्ण शुद्धि पूरा गिर जाना। तो और ये जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष है ना, ये पांच तत्व, इन सभी के दो दो भेद होते हैं। जैसे आश्रव के दो भेद हैं, भाव आश्रव द्रव्य आश्रव, जैसे बंध के भाव बंध द्रव्य बंध, संवर के भाव संवर द्रव्य संवर, निर्जरा के भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा, मोक्ष के भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष, ऐसे इन पांचों के ही दो दो भेद होते हैं। और ये जो जीव और अजीव है ना, ये मेन हेड है, ये जो पांच तत्व है ये इन दोनों की पर्याय है, और ये जो भाव तत्व है ना, इन सभी के भाव भाव तत्व भेद है, तो वो सारे जीव के विशेष हैं, और जितने भी द्रव्य भेद है ना, इन सबके सारे उसको द्रव्य तत्व इनके इन सबके भेद है, उसे वो है अजीव के विशेष। हाँ, अब अपन ये तो जान लिया, अब अपन आशा को समझते हैं। आशा अर्थात आना, तो यहाँ पे लिखा है देखो, भाव आश्रव अशुद्धि की उत्पत्ति, मतलब मोह राग द्वेष का आत्म प्रदेशों में आना, मोह राग द्वेष भावों का आत्म प्रदेशों में आना, उसे भाव आश्रव कहते हैं। अब आएगा द्रव्य आश्रव, देखो यहाँ पे लिखा है कर्मों का आना, अर्थात भाव आश्रव के निमित्त से उद्गल कर्मों का आना, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य आश्रव कहते हैं, है ना। अब आएगा बंध, तो बंध का पहला भेद है भाव बंध, अशुद्धि बने रहना, मतलब यहाँ पे मोह राग द्वेष आ गए थे, आ रहे थे, तो अंदर आके ठहर गए हो, जैसे मेहमान होते हैं, वो अपने घर आते हैं और घर में आके ठहर गए, जैसे सोफे पे बैठे कुर्सी पे बैठे, तो बैठे तो ना, मतलब रुक गए ठहर गए अपने घर पे, तो ऐसे ही बंधना था ठहरना, इसे कहते हैं पावन भाव बंध। और इसका मतलब है इसकी परिभाषा का कि मोह राग द्वेष का आत्म प्रदेशों, मोह राग द्वेष भावों का आत्म प्रदेशों में आकर रुकना, उसे भाव बंध कहते हैं। वर्ग द्रव्य बंध, कर्मों का आत्मा से बंधना, उसे द्रव्य बंध कहते हैं। तो इस परिभाषा का मतलब क्या है, उद्गल कर्मों का आत्मा से बंधना, मतलब भाव बंध के निमित्त से कर्मों का आत्मा से बंधना, उसे द्रव्य बंध कहते हैं। अब आएगा भाव संवर, बंध के बाद आएगा भाव संवर, तो भाव संवर किसे कहते हैं, शुद्धि की उत्पत्ति, मतलब ये संवर का मतलब तो होता है कि जो आ रहा था वो रुक जाना, अब आना ही नहीं है, तो शुद्धि की उत्पत्ति। और ये शुद्धि कैसी है, वितरागता वाली शुद्धि है, है ना, कैसी है शुद्धि, वितरागता वाली, जैसे मेहमान आ रहे हैं, है ना, आते ही जा रहे, अपन ने दरवाजा बंद कर दिया, तो मेहमान वापस चले गए, अब कोई आ ही नहीं रहे मेहमान, तो हो गए संवर, दरवाजा बन गया संवर, है ना, शुद्धि की उत्पत्ति, ये इसे कहते हैं भाव संवर। अब आएगा द्रव्य संवर, तो नए पुद्ग
शंकर रुक गए। यहाँ पे है नए कर्मों का आना रुकना, मतलब भाव संघर्ष के निमित्त से कर्मों का आत्म प्रदेशों में आना रुकना, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य संघर्ष कहते हैं। हाँ, अब संघर्ष क्या बनाएगा? निर्जरा। तो पहला भेद है निर्जरा का भाव निर्जरा। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है निर्जरा में शुद्धि की वृद्धि, मतलब शुद्धि थोड़ी बढ़ना, धीरे धीरे करके बढ़ना, उसे भाव निर्जरा कहते हैं। और द्रव्य निर्जरा किसे कहते हैं? पुराने उद्गल कर्मों का एक देश खिलना, इसका मतलब आपने देखा था ना, थोड़ा खिलना, यहाँ पे है ना, देखो एक देश खिलना, उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। अपन ने ये तो देख लिया था कि एक देश खिलना, लेकिन किसका खिलना? पुद्गल कर्मों का, है ना। अपन ने गेट बंद कर दिया था, संवर हो गया था, लेकिन जो पहले के मेहमान अंदर बैठे हुए थे उनका क्या करना? तो अपन ने पीछे का दरवाजा खोल दिया, तो मेहमान तो आ नहीं रहे हैं और बल्कि धीरे धीरे करके जा रहे हैं, मतलब निर्जरा में एक देश गिर जाना, मतलब थोड़े से चले जाना, है ना, कर्म थोड़े से चले जाना। वैसे ही जो मेहमान है वो पीछे के दरवाजे से थोड़े थोड़े जाना, उसे कहते हैं द्रव्य निर्जरा। और अब आएगा मोक्ष, अपना आखिरी द्रव्य। तो नहीं, द्रव्य नहीं, तत्व। मोक्ष का पहला भेद है भाव मोक्ष। तो भाव मोक्ष किसे कहते हैं? शुद्धि की पूर्णता। अपन ने यहाँ पे देखा था ना, पूरा गिरना, मतलब जो मोराग द्वेष और मोराग द्वेष कर्म थे वो सारे चले गए और शुद्धि की पूर्णता हो गई, सारे चले गए तो पूर्णता हो गई शुद्धि की। जैसे एक कमरा है ना, उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जैसे कुछ भी उजाला नहीं है, तो उसमें पूरी लाइटिंग कर दी तो एक थोड़ा भी अंधेरा नहीं बचा। तो वैसे ही कर्म रूपी अंधेरा तो गया पूरा और उजाला रूपी शुद्धि कमरे में आ गई। जो उजाला था ना वो उसने उसको भगा दिया, मतलब पूरा चला गया, पूर्ण खेलना। अब अपन देखेंगे, नहीं इसे कहते हैं भाव मोक्ष, अपन देखेंगे द्रव्य मोक्ष। तो संपूर्ण कर्म का अभाव, अपन ने भी देखा था ना कि जो वो है, क्या बोलते हैं, मेहमान, अपन ने पीछे का दरवाजा खोल दिया था, वो जा रहे थे, है ना। तो अब जब सारे मेहमान चले गए तो मतलब सारे कर्मों का अभाव हो गया, संपूर्ण मतलब सारे कर्मों का अभाव, अभाव अर्थात चला जाना, थोड़ा भी अंश नहीं बचना, सारे कर्म चले गए, है ना। तो इसे कहते हैं द्रव्य मोक्ष। इसको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये एक नाव का उदाहरण है, उसमें एक नाव होती है और एक आदमी होता है ना, एक नाव होती है और एक आदमी। तो वो उन्हें नदी पार करनी थी, है ना। तो वो दोनों, तो ये जो आदमी है ना वो जीव है और जो नाव है वो है अजीव, है ना।
छेद हो गया और पानी आने लग गया। उसके बाद आए ये जो पानी आया था अंदर, इसमें नाव में भर रहा था तो अंदर आके ठहर गया, नाव भर गई तो ठहर गया, तो वो हो गया बंद। अंदर नाव में पानी भर गया था, है ना, तो वो हो गया बंद। अब वो आदमी ने देखा, अरे ये तो पानी आने लग गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगा, पानी भरने लग गया, मेरी नाव डूब जाएगी। तो अपन देखते हैं कि उसने देखा नीचे कि मेरी नाव में तो छेद है, वहीं से पानी आ रहा है। तो उसने सोचा, उसने दिमाग लगाया कि मैं इसको कैसे बंद कर सकता हूँ। तो उसने एक कुछ पत्थर जैसा लिया बड़ा सा और उसके ऊपर छेद के ऊपर रख दिया, तो पानी आना बंद हो गया। और जो अंदर पहले जो हो गया सब भर, अब जो अंदर पहले से ही पानी भरा हुआ था उसको भी तो निकालना जरूरी, नहीं तो नाव तो भारी होने की वजह से डूब जाएगी। तो आदमी ने एक बर्तन लिया और उससे पानी निकालने लग गए, है ना, तो हो गई निर्जरा। और फिर जब पूरा पानी निकल गया तो आदमी खुश हो गया, मतलब मोक्ष हो गया, है ना। और उसकी नाव में जब भार था तो उसकी नाव स्लो स्लो चल रही थी, जब उसकी नाव में पूरा पानी निकल गया तो एकदम तेजी से जाके उसने किनारे पर पहुंच गई, नदी के किनारे पर पहुंच गई। तो जब वो, उसको तो यही करना था, तो वो हो गया मोक्ष, मतलब पूरा चला जाना, पानी पूरा चला गया, हो गया मोक्ष, ठीक है ना। तो अभी ये हो गया है, अपने उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। अब अपन देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न उठाए, देखिए तत्व साथ ही क्यों, है ना, तत्व साथ ही क्यों बताए हैं, है ना, आठ या फिर छह क्यों नहीं बताए, क्योंकि देखो, क्योंकि सबसे पहले अपन देखेंगे हमारा प्रयोजन क्या है। प्रयोजन अर्थात तो आपको पता ही है, उद्देश्य एक, है ना, उचित वस्तु। तो हमारा प्रयोजन क्या है, सुख, सुख हमारा प्रयोजन है, मतलब सुख हमारा उद्देश्य है, हमें सुख को पाना है। सुख कहाँ मिलेगा, मोक्ष में, है ना, मोक्ष में किसे जाना है, जीव को। जीव मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहा है, अजीव के कारण। अजीव के कारण कैसे, अजीव तो पुद्गल है, उसके कारण कैसे। देखो जो अजीव है वो अपन उसमें शरीर को लेते हैं, है ना, ये शरीर है। तो ये शरीर, जब इस शरीर का जन्म होता है तो ये ठीक समझ लेता है कि मेरा जन्म हुआ। जब ये शरीर छूट जाता है तो जीव समझता है कि मेरा मरण हुआ, है ना। तो इसी के कारण जीव स्व अर्थात जीव और पर अर्थात अजीव, स्व और पर में भेद विज्ञान नहीं कर पाता है। इसीलिए वो अजीव के कारण मोक्ष नहीं जा पाता है, सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। अपन ने पीछे जीव और अजीव पढ़े थे, है ना, तो उसको जानने से लाभ ये है कि अपन स्व और पर में भेद विज्ञान कर सके, है ना। अब अपन ने देख लिया कि अजीव के कारण कैसे, है ना, अजीव के कारण क्यों मोक्ष नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे तीन भेद हो गए, एक तत्व के तीन भेद हो गए, यहाँ पर पूछा था ना तत्व साथ ही क्यों, यहाँ पे तीन हो गए, मोक्ष, है ना, एक जीव, दूसरा अजीव।
अपोजिट आश्रव, है ना। तो इसीलिए इन दोनों में से जो जो अपोजिट है उन दोनों में से एक ही कोई होगा ना, इसलिए संकोच और निर्जरा को करना है तो आश्रव और बंध को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक दो तीन चार पांच छह सात तत्व हो गए, इन्हीं सात तत्वों में जीव को सुख की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए आठ या फिर छह नहीं बताए। अगर इसमें से एक भी बढ़ा दें तो भी जीव सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, और इसमें से एक भी कम कर दें या फिर इसमें से आश्रव कम कर दिया तो भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, बंध कम कर दिया तो भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे कोई भी तत्व कम कर दिया तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए छह नहीं बताए, है ना, आठ या फिर छह नहीं बताए। तो जिनेंद्र भगवान ने सात तत्व बताए हमको सुख की प्राप्ति करने के लिए। तो अब अपन को देखना है तत्वों में, है ना, यहाँ पे तत्वों में लिखा है कि जो तत्व अपन ने पढ़े उसमें से क्या ध्येय है, क्या ध्येय है, क्या हेय है, किसको अपन को कथनचित उपाध्याय करना है, क्या सर्वथा उपाध्याय है, आइए देखते हैं। तो ध्येय है जीव, है ना, ध्येय जीव है, अजीव ध्येय है, और हेय क्या है, आश्रव और बंध। यहाँ पे देखा था ना अपन ने, आश्रव और बंध को छोड़ेंगे तो तभी संग्रह निर्जरा होगा और मोक्ष जाएगा, उपाय तो वही है, इसीलिए अपन को आश्रव और बंध छोड़ना चाहिए, इसलिए वो हेय है। और संवर और निर्जरा कथनचित उपाध्याय है, क्यों है, क्योंकि अपन को संवर और निर्जरा को प्राप्त करके बैठे नहीं ले जाना है, अपन को फिर और करना है, फिर पूर्ण उपाध्याय, फिर सर्वथा उपाध्याय इसके, या फिर अपन परम उपाध्याय भी ले सकते हैं। तो अपन को मोक्ष है अपना पूर्ण उपाध्याय, सर्वथा उपाध्याय। तो इसीलिए अपन इन सातों तत्वों को समझें और सुख की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से मैं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।